बुद्ध के प्रिय स्थलों में एक स्थान गृद्धकूट या गृद्ध शिखर था, और यहाँ पर उन्होंने अपने कई प्रसिद्ध उपदेश दिए हैं, जिनमें कमल सूत्र और ज्ञान सूत्र शामिल हैं। यह बिहार की राजधानी पटना के नज़दीक राजगृह में स्थित है, और बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पहले और ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ काफ़ी समय बिताया था। यही वह स्थान है जहाँ उनके चचेरे भाई देवदत्त ने पहाड़ी की चोटी से बुद्ध के ऊपर एक विशाल पत्थर फेंककर उन्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन पहाड़ी से गिरते वक्त पत्थर के दो टुकड़े हो गए और उस पत्थर से निकला एक छोटा टुकड़ा बुद्ध के पैरों में लगा, जिससे उनके पैर जख्मी हो गए। राजगृह के प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक ने बुद्ध का इलाज किया था। गृद्धकूट पर चढ़ने के लिए बुद्ध के जीवन काल में पत्थर की एक लंबी सड़क बनाई गई थी, जिसे मगध के राजा बिंबिसार के नाम पर बिंबिसार रोड कहा जाता है। राजा बिंबिसार ने ही इस सड़क के निर्माण का आदेश दिया था। पहाड़ी के शीर्ष के पास दो छोटी गुफाएं हैं, जिनका उपयोग स्वयं बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा किया जाता था। सीढ़ी के नीचे दो गुफाएं हैं, जिनका उपयोग उनके दो प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और मौत कल्याण द्वारा किया जाता था। पहाड़ी की चोटी पर गिद्ध के आकार की एक चट्टान है, जो अपने पंख मोड़े खड़ी दिखाई देती है। इसी चट्टान के नाम पर इस पहाड़ी का नाम गृद्धकूट पड़ा। पहाड़ी की चोटी के आसपास प्राचीन बौद्ध विहारों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। आज यह पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के एक प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है।